सीबीआई उसकी जांच करे। ये जो केरल में घटना हुई है, जीएस सिद्धार्थन के पिता ने आरोप लगाया है, जो जीएस सिद्धार्थन है उनके परिवारजनों के साथ है, कि उसकी हत्या एक संगठन विशेष के लोगों ने की है। कि केरल में जो इस तरह की घटनाएं बार बार घटित हो रही हैं, एक हमारे वेटरनेरियन जो होनार वेटरनेरियन था, एक किसी का बेटा था, आज हमारा छोटा भाई था। भोपाल केरल राज्य में पशु चिकित्सा विज्ञान के द्वितीय वर्ष के छात्र जीएस सिद्धार्थन की विशेष विचारधारा के छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा कथित निर्मम हत्या करने वाले हत्यारों पर कार्रवाई नहीं होने से देशभर के वेटनरी छात्रों ने आक्रोश व्यक्त है। देशभर में इस घटना की वेटनरी छात्रों ने कड़ी निंदा करने विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही उन्होंने राज्य सरकार की लचर कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। इस विरोध का असर 14 मार्च को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्टेशन नई दिल्ली के आह्वान पर राजधानी स्थित राज्य पशु अस्पताल के सामने वेटनरी छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया और हत्या के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। केरल सरकार हो गई संवेदनहीन। डॉक्टर उमेश संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर उमेश शर्मा का कहना है कि केरल में छात्र सिद्धार्थन की कथित हत्या होने से संपूर्ण पशु चिकित्सा जगत स्तंभ है। घटना से देश के सभी शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं में अत्यंत रोष व्याप्त है। छात्रों की सुरक्षा को लेकर केरल सरकार संवेदनहीन हो गई है। सरकार द्वारा दोषियों पर कार्रवाई नहीं करने से अपराधियों पर संरक्षण मिल रहा है। घटना के विरोध में छात्र छात्राओं ने काली पट्टी बांध का विरोध किया और पीड़ित के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। हमारी मांग है कि घटना में शामिल सभी दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। आज पूरे देश में सभी राज्यों में पशु चिकित्सा विभाग और जितने महाविद्यालय हमारे सभी शिक्षण संस्थानों में छात्र छात्राओं पशु चिकित्सकों द्वारा ये जो केरल में घटना हुई है, श्री जे एस सिद्धार्थन की जो नृशंस हत्या केरल में की गई है, उसके विरोध में सब जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। PRPCS जो मध्य प्रदेश के पशु चिकित्सकों का राजपत्रित पशु चिकित्सकों का संगठन है, एक संयुक्त तत्वाधान में IVA के साथ आज हमने इस विरोध प्रदर्शन को पूरे राज्य में फैलाया है। सभी जिला मुख्यालयों पे, सभी संस्थाओं में हमारे जो पशु चिकित्सक हैं एकत्रित होकर इस घटना के विरोध में अपना विरोध जता रहे हैं। हमारे संगठन के सभी पशु चिकित्सकों की हमारी संवेदनाएं जो जेएस सिद्धार्थन हैं उनके परिवारजनों के साथ हैं और उनके प्रति जो न्याय चाहिए है उसके लिए हमारी पुरजोर मांग है। भारत सरकार से हमारी पुरजोर मांग है कि केरल में जो इस तरह की घटनाएँ बार बार घटित हो रही हैं उसका संज्ञान लिया जाए, उच्च स्तरीय जांच की जाए। धन्यवाद। डॉक्टर सिद्धार्थन की जो हत्या हुई है उसके विरोध में हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हमारे MP की समस्त वेटनरी की शासकीय संस्थाएं और समस्त वेटनरी से संबंधित शिक्षण संस्थाएं, IVA, PRPCS, हम सारी संस्थाएं मिलकर इसका बहुत विरोध करते हैं और शासन से मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और डॉक्टर सिद्धार्थन को और पूरी वेटनरी कम्युनिटी को न्याय मिले। हमारे द्वितीय वर्ष के छात्र जो कि केरला विश्वविद्यालय में कार्यरत थे, पढ़ रहे थे, और उनकी एक विशेष विचारधारा के संगठन के द्वारा हत्या की गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उस बच्चे के पेट में उसको भूखा रखा गया और हॉस्टल में उसको मारा गया, और केरल की राज्य सरकार अपने एक समर्थित छात्र संगठन को बचा रही है। पूरे भारतवर्ष के वेटरनेरियन आज पूरे देश में काली पट्टी बांध के कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तर से दक्षिण तक हम सब आज आंदोलन कर रहे हैं और इस देश में इस प्रकार की तानाशाही सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे। मैं इस देश के समस्त वेटरनेरियन का धन्यवाद करता हूं कि आज सिद्धार्थ जैसे हमारे होनार विद्यार्थी की हत्या के विरोध में पूरे देश में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और हम राज्य की सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से अनुरोध करते हैं कि वो हस्तक्षेप करें और केरल की सरकार के निष्पक्ष जांच के लिए कोई जुडिशियर एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में या तो कमेटी बनाए या सीबीआई उसकी जाँच करे, क्योंकि लगातार केरल सरकार के द्वारा इस प्रकार के निर्णयों में, इस प्रकार जो एक निष्पक्ष निर्णय करना चाहिए, जीएस सिद्धार्थन के पिता ने आरोप लगाया है कि उसकी हत्या एक संगठन विशेष के लोगों ने की है, क्योंकि वे एक विचारधारा के साथ काम करता था। इसीलिए आज हम सब लोग आक्रोशित भी हैं और दुखी भी हैं कि एक हमारे वेटरनेरियन जो होनार वेटरनेरियन था, एक किसी का बेटा था, आज हमारा छोटा भाई था। इसीलिए पूरे देश के इंडियन वेटरनरी एसोसिएशन PRPCS, मध्य प्रदेश में सभी भारतवर्ष के संपूर्ण कॉलेजों में सभी छात्र भी आंदोलन है, और हमारा यही अनुरोध है आगे भी हम लोकतांत्रिक तरीके से इस प्रकार के कृत्य का विरोध करते रहेंगे। आप नहीं चलेगी, नहीं चलेगी कम्युनिस्ट तेरी सरकार, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भोपाल से संवाददाता आशीष द्विवेदी की खास रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।